आशमी साहब, जिस तरह अभी हम पर्दे की भी बात कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में भी हमने देखा कि ऐसी चीजें होती नजर आई, पर्दे का ख्याल किया गया, समझना अच्छा है, चीज होती नजर आ रही है ये। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामी मुआशरे के तहत पर्दे के अंदर रहते हुए बहुत हमारी बच्चियों स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो वो पर्दे के अंदर रहते हुए सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और पेरेंट्स को इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत अच्छा, है। सिंध रेंजर्स के ताउन से बॉडी बिल्डिंग मुकाबले हुए, जिस तरह अगर आप कह रहे थे कि एक अच्छा साइन था, 158 जो 58 खिलाड़ी थे जी वो जी शिरकत कर रहे थे, इसके अंदर 30 कैटेगरीज थी, तो समझते हैं आप भी बॉडी बिल्डिंग से मुंसलिक हैं, जी जी तो और ओपन एरिया रखा गया था, कल के यहाँ पर आए खिलाड़ी अपने फन का मुजाहरा करें, तो समझते हैं ये भी एक अच्छा साइन था। बिल्कुल, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ रेंजर्स का बहुत अच्छा रोल अदा हो रहा है, लियारी जैसे अदारों इलाके में जाके उन्होंने बॉक्सिंग के और बहुत सारे डिफरेंट खेल के वहाँ मुकाबले मुनक्कद करवाए। इससे पहले साइकिलिंग कराची से गवादर तक की साइकिलिंग भी हुई, तो उनका एक बहुत अच्छा रोल है और ये मेरा ख्याल है उनके पास बहुत अच्छा बजट भी इसका मौजूद है, और इस तरह के अगर अदारे आगे आ जाएंगे तो मुझे बहुत ताबनाक नज़र आ रहा है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, कि ये फौज हमारे साथ शामिल है, रेंजर्स हमारे साथ शामिल है, मैंने देखा पुलिस को भी, डीआईजी साहब को भी बहुत सारे मैंने इवेंट्स में मैंने देखा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, उसके साथ साथ डीजी रेंजर्स भी मुख्तलिफ इवेंट में बखुद जो है जी हाँ तशरीफ ला रहे हैं, जी इनामात तकसीम कर रहे हैं, ये रमन साहब कितनी अच्छा साइन है ये बच्चों के।